धीरूभाई अंबानी 500 रुपए महीने की शायद नौकरी करते थे, पेट्रोल पंप की नौकरी करते थे। पहाड़ पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो नीचे खड़े होके जब हम प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग शायद एक आध किलोमीटर उस पहाड़ पे चढ़ते हैं वहीं तक की होती है। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है कहीं ना कहीं। बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए, आपका बिजनेस तो चल ही रहा है। जिस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं वहां पे अब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो चलता रहेगा। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, एक लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जय अजमेराज, मेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। सुबह सुबह की इस मंगल वेला के अंदर अजमेरा फैशन के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे आप और हम बातें करते हैं बिजनेस की, बिजनेस में आने वाले उतार चढ़ाव की, कुछ प्रोडक्ट की, कुछ बिजनेस को शुरुआत करने के तरीकों की, कहीं ना कहीं उसी में से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं दुनियादारी के, जीवन के, कि जीवन में किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से हमें चुनौतियों का सामना करना है, उनका मुकाबला करना है डट के, सारी बातें हम लोग करते रहते हैं इन चैनल्स पे वीडियोस के माध्यम से। तो आज फिर कुछ ऐसी ही बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज ऐसा होता है, जैसे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती है हर एक स्टेज के ऊपर। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो पढ़ाई की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो किसी के प्रेम में शायद पड़ते हैं तो चुनौतियां आती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, एक लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब चलता है। लेकिन उनको भी चुनौती समझता है इंसान, फिर उसके बाद घर गृहस्थी में लग जाता है तो कमाने के और इस तरीके की चुनौतियां आती रहती है। ऐसी ही चुनौतियां व्यापार के अंदर भी आती है। आप कोई भी बिजनेस शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं हर स्टेज पे आपको चुनौती आती है। मेरे को भी आती है, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब नया हम लोग करने जाते हैं तो चुनौती आती है। और अगर चुनौतियां नहीं आ रही है आपके सामने तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक बार चेक करने की जरूरत है कि भाई क्या बात है। सीधा साधा अगर बिजनेस चल रहा है ना तो कहीं ना कहीं अपने आप से जरूर ये पूछिएगा कि मैं ग्रो कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। डेटा चेक कीजिएगा आप अपने पिछले 10 साल से, 5 साल से, या जब से भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तब से आपने क्या ग्रो किया है, क्या नया किया है। और अगर चुनौती नहीं आ रही है तो 100% मैं आपको ये कह सकता हूं, जो आपके आंकड़े हैं वो ग्रो तो 100% नहीं कर रहे हैं, वो डाउनग्रेड भी अगर जा रहे हों तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो चुनौतियां जरूर आएगी, 100% आएगी, अगर आप ग्रो करने का मन के अंदर लेके रखे हुए तो। और जब भी आप ग्रो करने का मन के अंदर लेके रखते हैं, कुछ ऊंचाइयां, कोई मुकाम को हासिल करने का मन के अंदर लेके रखते हैं, तो जरूर इन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। और ये चुनौतियां कैसी होती है मुझे पता लगता है, मैं अपने बिजनेस के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मुझे क्वेश्चंस आते हैं जब मैं नीचे पढ़ता हूं वीडियोस के नीचे, तो बहुत सारे लोग जो इस फील्ड से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी कमेंट करके पूछते हैं, सर मेरी किराने की दुकान है लेकिन सेल नहीं हो पा रही है, उतनी सेल ग्रो नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए अपनी सेल को ग्रो करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप सोच रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, और जब आप ये सोचेंगे तो चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा दोस्तों। मैं अक्सर एक एग्जांपल दिया करता हूं कि पहाड़ पे जब हम लोग चढ़ते हैं तो नीचे खड़े होके जब हम प्लानिंग करते हैं ना, वो प्लानिंग शायद एक आध किलोमीटर उस पहाड़ पे चढ़ते हैं वहीं तक की होती है। लेकिन हम प्लानिंग करते हैं उस चोटी को देख के जहां पे हमने को पहुंचना है,
फिर 1 किलोमीटर पे पहुंचने के बाद में अपने को चेंज करना होता है, क्योंकि वो पहाड़ का रास्ता कैसा है आगे बढ़ने के बाद ही पता लगता है, और वो चुनौती वहां 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद अपने को महसूस होती है कि नहीं, अब हमको अपने चलने की स्पीड को या तो कम करना है या बढ़ाना है, या पांव इस तरीके से रखने हैं कि अब फिसलन कम हो जाए। तो ये जब आप उस चोटी की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ही ये चुनौतियां सामने आती है। अगर 1 किलोमीटर पे रुक जाना है, वहीं आपको अपना डेरा डाल लेना है, तंबू डाल लेना है, तो फिर कोई चुनौती सामने आने वाली नहीं है, वो 1 किलोमीटर तो आपने तय कर लिया है। सेम चीज जिंदगी में, सेम चीज बिजनेस के अंदर भी होती है, चाहे किसी भी तरीके को बिजनेस को आप कर रहे हैं, आपको चुनौतियां अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आएगी आएगी, और वो ऐसी चुनौती होगी जिसको आपको पता नहीं होता है। मेरे साथ हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम रोज अपने बिजनेस को नया कुछ करने की सोचते रहते हैं, रोज हम ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों से अगर हम चलेंगे तो हम जहां हैं वहीं रुक जाएंगे, लेकिन हमें तो हम यहां तक पहुंचे हैं तो यहां रुकने के लिए थोड़े पहुंचे, हमें तो आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। नया करेंगे तो 100% आपको कुछ ना कुछ नई चुनौती सामने आएगी। और मेरे सामने जब आती है तो मैं क्या करता हूं, ये मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। कोई चुनौती मेरे सामने आई कि ये दिक्कत आ रही है तो मैं छोड़ छाड़ के शांति से बाहर निकल जाता हूं, मिलता हूं कुछ लोगों से, मुझे फ्रेंचाइजी बेचनी है 100, 150 या 200 या 500, मैं उस फील्ड के जो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने उसमें सफलता प्राप्त करी हुई है उनके पास जाके बैठना शुरू कर देता हूं, उनसे बातें करता हूं। मैं कोई टारगेट नहीं बताता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है कहीं ना कहीं। बाहर निकल जाइए, छोड़ दीजिए, आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, जिस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं वहां पे अब आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन अब कुछ नया अगर करना है आपको तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और कुछ करेंगे तो लड़खड़ाएंगे भी, गिरेंगे भी, पर गिर के गिरे नहीं रह जाना है, फिर से खड़े होना है, फिर से कोशिश करते रहनी है। उसके लिए हम पहुंचते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है, किस तरीके से अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने जीवन में कोई सफलता हासिल करी है, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है अपने फील्ड के अंदर, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। दूसरी चीज, उस फील्ड की बात के अलावा कुछ ऐसे लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो आपकी ऊर्जा जो है ना, देखिए पूरा सारा खेल एक एनर्जी का है और कुछ भी नहीं है, ये एनर्जी रूपांतरित होती है। आप इसको नेगेटिव ऊर्जा अगर देते हैं तो ये खड्डे में चली जाएगी, आप इसको अगर पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठते उठते हैं तो ये आपको किसी मुकाम के ऊपर, किसी ऊंचाई के ऊपर ले जा सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अपने फील्ड को छोड़ करके, अपने काम को छोड़ करके, कि अब मेरे को कुछ नया करना है तो कुछ नया सीखने की जरूरत पड़ेगी, और जब मैं नया सीखूंगा तो कुछ ना कुछ चुनौतियां जरूर आएगी। तो मेरा तो यही है, मेरा रहस्य, मैं यहां तक इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो मैं यही चीज सोचता हूं कि अब मुझे कुछ नया करना है तो नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, और नया कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे हम एक नई जगह, नई मंजिल, नई ऊंचाइयों पे अपने आप को ले जा सके। मैंने अपना एग्जाम्पल देके आप लोगों को बताने का प्रयास किया, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता होगा कि मैं कहाँ से सीखता हूँ, मैं कैसे एग्जाम्पल्स, किस तरीके से लोगों से ये चीज़ें सीखता हूँ। तो दोस्तों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे को जिसने ये किया वो मैं आज आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। धीरूभाई अंबानी 500 रुपये महीने की शायद नौकरी करते थे, पेट्रोल पंप की नौकरी करते थे, बगल में ही ताज होटल थी। उन 500-700 रुपए से वो चाय पीने के लिए ताज होटल के अंदर जाया करते थे, जितने की उनकी सैलरी थी उतने की वहां पे चाय मिलती थी ताज होटल के अंदर। तो किसी उनके दोस्त ने पूछा, बोले तू मूर्ख आदमी है क्या,
तेरे को 500-700 रुपए तो मिलते हैं पूरे सैलरी के रूप में, तू इसको एक चाय में उड़ा देता है। बोले मैं वहां चाय पीने नहीं जाता हूं, मैं वहां बैठने वाले लोगों की बातें सुनने के लिए जाता हूं कि जो आदमी 500-700 रुपए की चाय पीता है वो किस तरीके की बातें करता है, किस तरीके के आइडियाज वहां जनरेट होते हैं, किस तरीके से लोगों के साथ मिल करके वो अपने बिजनेस को और किसी मुकाम पे ले जाने का प्रयास करता है। जब 700 रुपए की चाय कोई पीता है तो आप सोच सकते हैं उसकी एक किस मुकाम पे वो होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने अपने माइंडसेट को उन लोगों के बीच में ले जाके रखा जहाँ पे 500-700 रुपए की चाय पीने वाले 1000-2000 करोड़ का बिजनेस करने वाले किस तरीके की बातें किया करते थे, वो सीख के उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। दोस्तों देखिए, आप जिस तरीके की सोच अपने माइंड में रखते हैं ना, वैसा ही आप बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हैं आप, रील देखते होंगे आप, वीडियोस देखते होंगे, कुछ सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको उसी तरीके के वीडियो, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कपड़े के 50 वीडियो और दिखा देगा, आप कुछ हेल्थ इश्यू के रिलेटेड अगर वीडियो देखते हैं तो आपको हेल्थ के 100 वीडियो और दिखा देगा। एक रील चलती है तो जिसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हैं वही रील आपको पूरी तरीके से कंटिन्यू दिखती रहती है। तो आप जो देखना चाहते हैं या जिसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं वही चीज़ें आपको दिखती जाती है। तो अपने माइंडसेट को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो जो वाइब्रेशन आप क्रिएट करेंगे उसी तरीके की वाइब्रेशंस आपके पास आके मिलती चली जाएगी, उसी तरीके के लोग आपको आके मिलते चले जाएंगे। तो हमेशा सोच को बुलंदियों पे रखिए, अच्छी सोच रखिए, आप आगे बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। चुनौतियाँ नहीं आ रही है तो घुटनों के बल टिक जाना और दुआ करना ऊपर वाले से कि अभी जिंदा हूँ भेज चुनौतियाँ, कुछ नया करना चाहता हूँ मैं। अपने बैकग्राउंड को चेक कीजिए कि कहीं स्टिल तो नहीं हो गए हैं आप किसी मुकाम पे आके, कहीं रुक तो नहीं गई है आपकी गाड़ी, इस गाड़ी को स्पीड पकड़ानी है तो कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर रास्ते के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो बस आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना कीजिए, कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, किस तरीके से उन चुनौतियों को एकदम लाइटली लेके आगे बढ़ सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। मैं जो करता हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, उस फील्ड के या कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ बैठ के अपने आप को रिलैक्स फील करवाता हूँ और कुछ ना कुछ वहाँ से नया आइडिया मुझे आ ही जाता है। जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई है, जो चुनौती मेरे सामने आई है, उसका भी रास्ता मेरे को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो छोड़िए अपनी जगह को, निकलिए बाहर और देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ शायद पूरी तरीके से आप लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हो पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जिनेंद्र, नमस्कार।